प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा 50 करोड़ लोग आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ले रहे हैं लाभ। गरीबों वंचितों का है ध्यान। पासपोर्ट बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव। विवाह प्रमाण पत्र समेत कई गैर जरूरी दस्तावेजों की जरूरत नहीं। देश में कहीं से भी कर सकते हैं आवेदन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एम पासपोर्ट सेवा ऐप भी लॉन्च किया। जल्दी ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा UGC। केंद्र सरकार जल्द करेगा उच्च शिक्षा आयोग का गठन। देश में मौजूद सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए एक गाइड की तरह करेगा काम। मॉनसून सत्र में पेश होगा विधेयक। बंगाल के अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं ने किया स्वागत। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से हुआ रवाना। इस जत्थे में 1,554 पुरुष, 320 महिलाएं और 20 बच्चे शामिल। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। नासिक में भारतीय वायुसेना का Sukhoi-30 MKI विमान हुआ क्रैश। दुर्घटना में दोनों पायलट सुरक्षित। हादसे के दौरान विमान का चल रहा था परीक्षण। पिछले कुछ दिनों से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं वायुसेना के कई विमान। भाजपा के 100 सांसदों पर टिकट कटने का खतरा। इनमें 1.5 दर्जन केंद्रीय मंत्री भी शामिल। सांसदों को छवि सुधारने के लिए मिला 6 महीने का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सांसदों के प्रति जनता में है नाराजगी। मुख्यमंत्री योगी के मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। कई मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। मंत्रालयों की संख्या भी 80 से घटकर 50 होगी। मंगलवार को संघ नेताओं और मुख्यमंत्री की हुई थी बैठक। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। विपक्ष की बैठक में किसी भी दल के नेता के नाम पर लग सकती है मुहर। बैठक का दिन और समय तय नहीं। 1 जुलाई को खत्म हो रहा है उपसभापति PJ कुरियन का कार्यकाल। योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बस्ती और बुंदेलखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पीने के लिए RO के पानी की होगी व्यवस्था। स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और राजकीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप के पहले दौर में जापान की आया ओहोरी को हराकर दूसरे दौर में पहुंची PV सिंधु। सिंधु ने ओहोरी को 26-24, 21-15 से दी शिकस्त। पुरुष वर्ग में भारत को हाथ लगी निराशा। प्री मॉनसून बारिश से दिल्ली NCR वासियों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से आएगा मॉनसून। सोमवार को 42 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अयोग्य विधायकों से संबंधित याचिका खारिज की। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मसले पर जस्टिस विमला से उनकी राय मांगी थी। कर्नाटक में कांग्रेस JDS के बीच खींचतान फिर शुरू हुई। मुख्यमंत्री कुमार स्वामी से असंतुष्ट हैं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कांग्रेस के 9 मंत्री मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र से पहले ही गिर सकती है सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के ठिकानों पर पड़ा छापा। छापेमारी में कुल 2,73,00,000 डॉलर यानी 187 करोड़ रुपए से ज्यादा सामान जब्त किया गया। 19 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 19 पैसे टूटकर 68.43 के स्तर पर खुला। ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंकाओं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये में गिरावट का दौर जारी।